टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन का जो टिकट घर है, इसकी हालत काफ़ी दयनीय हो चुकी है और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर जो लगने वाले हैं अभी लगे नहीं हैं, इसको लेकर भी अब मांगे तेज़ हो गई हैं। एनसीपी पार्टी के बबलू सेमना ने नए टिकट घर बनाने की मांग की है और साथ ही इन्होंने मुंब्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर लगाने की मांग की है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, इसलिए इन्होंने DRM ऑफिस में इसके लिए लेटर भी दिया है। बबलू सेमना का कहना है कि टिकट घर काफ़ी पुराना हो चुका है और इसकी हालत जो कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए इन्होंने नए टिकट घर की मांग भी की है और साथ ही इस पुराने टिकट घर को रिपेयर किया जाना चाहिए, ऐसी भी इनकी मांग है। साथ ही DRM ऑफिस में इन्होंने लेटर देकर ये भी मांग किया है कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर लगाया जाए ताकि मुंबई से आने वाले जो लोग हैं और जो एस्केलेटर यहाँ पर लगाया जाए वो प्लेटफॉर्म से ब्रिज की तरफ आने वाला एस्केलेटर लगाया जाए, यानी कि प्लेटफॉर्म से लोगों को ब्रिज पर चढ़ना ना पड़े, वो स्वचालित जो सीढ़ी लगाई जाए उसी के ज़रिए लोग चढ़ें। DRM ऑफिस में बबलू सेमना ने इस तरह की मांग करते हुए लेटर दिया है। बबलू सेमना का कहना है कि यहां पर 1 नंबर और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर लगाया जाए, साथ ही एक नए टिकट घर का निर्माण भी किया जाए। मांगे मेरी ऐसी थी, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवर साहब जो महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री है, उनके नेतृत्व में हमारे सैयद अली अशरफ साहब, हमारे शमीम खान साहब, शानू पठान साहब, हमारी मैडम रुता आवर साहब के नेतृत्व में हमने एक हमारा शिष्टमंडल DRM ऑफिस गया था, क्योंकि आज से कम से 8-10 दिन पहले हम भी हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवर साहब के साथ में हमने एक शिष्टमंडल जो शाहू नगर में जो झोपड़पट्टी का जो रेलवे ने सर्वे कराया था, उस सर्वे के वजह से एरिया में दहशत और डर का माहौल था और डर को कम करने के लिए काफ़ी हद तक हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवर साहब ने एक डर लोगों को जो डर था डर कम करने की कोशिश की और डर लोगों में डर कम भी हो गया, तो कुछ उसी के सिलसिले हम लोग गए थे। उसी वक्त सर ने हमारे बॉस ने उस जरिए में DRM से बात भी की थी, तो उसी सिलसिले में हम भी हमारे दो मांग थी। एक मांग ऐसा था कि एक टिकट घर मुंब्रा में काफ़ी दिनों से जब मुंब्रा की आबादी 1 से 1.5-2 लाख थी, जब से उसी वक्त से एक ही टिकट घर है, तो हमने बोले आज मुंब्रा की आबादी 8 से 10 लाख के तकरीबन पहुँच गई है, तो हम उसके लिए एक टिकट घर और एक बढ़ाया जाए, इसके लिए हमने उसकी एक मांग की थी। अभी का जो टिकट घर है उसकी भी हालात बहुत खस्ता है, जर्जर हो चुका है, तो उसके लिए वो टिकट घर का मरम्मत भी अच्छी तरीके की जाए और अच्छे से उसको नए तरीके से उसको बनाया जाए और एक टिकट घर इसलिए बनाया जाए कि लोगों को चल के वो टिकट घर तक जाना पड़ता है, प्लेटफॉर्म भी चलते हैं, क्योंकि अभी 3-4 प्लेटफॉर्म नया बनने के बाद TC काफ़ी हद तक प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं, उसके वजह से लोगों में डर का माहौल हुआ था और फिर लोगों को बहुत काफ़ी हद तक चल के जाना पड़ता है, तो इसलिए और एक टिकट घर की हमने मांग की थी। तो जो आपने दूसरी टिकट घर की मांग की है, आपने 1 नंबर के तरफ बनाने के लिए कहा है या फिर नहीं, जो पुराना जो टिकट घर है उसी लाइन में आगे की तरफ M गेट की तरफ एक टिकट घर नया और बनाने की हमने मांग की है, वो हमका ये हमारा DRM को सबमिट किया हुआ लेटर है। और एक्सीलेटर का बहुत दिनों से काम चल रहा है, बहुत लोगों ने इसकी मांग भी की, मगर अभी तक वो काम पूरा हो नहीं गया, मगर जो अब लग रहा है वो भी गलत रहा है, क्योंकि अभी 3-4 नंबर जब से ट्रैक नया आया है तो मुंब्रा का स्लो जो ट्रैक था वो अब चेंज हो चुका है, तो हमारी यही मांग थी कि पहला जो ट्रैक एक्सीडेंट था 2 और 3 से लोग जो बना रहे, हमारा यही मांग है कि 2 और 3 पे एक्सीडेंट बना लगाया जाए, 1 और 3 पे, क्योंकि लोगों को चढ़ने के लिए काफी हद तक परेशानी होती है, 1 और 4 पे लगाया जाए, काफ़ी हद तक लोगों को चढ़ने के लिए मुसीबत होती है, जितने जो ज़ईफ़ लोग रहते हैं, जो अपाहिज लोग रहते हैं, क्योंकि लोगों को उतरने की तकलीफ नहीं होगी थी इतनी, मगर चढ़ने की तकलीफ होती है, क्योंकि लोग मुंबई से आते हैं 4 पे और 2 पे जो मुंब्रा से लोग बम्बई की तरफ जाते हैं, 1 से जो मुंबई से लोग मुंब्रा से बम्बई की तरफ जाते हैं, तो ये परेशानी न हो इसलिए काफ़ी जल्द काम चालू किया जाए और तुरंत लगाया जाए। एक्सीलेटर सभी प्लेटफॉर्म पर लगना चाहिए, लेकिन जो पहला लग रहा है ये 1 नंबर और 4 नंबर पहले लगाया है। 1 नंबर और 4 नंबर पे तुरंत लगाया जाए, किसी ने सलीम बोल के कोई बंदा है उसी ने कुछ केस किया है उसके बारे में, उनका पेपर फॉलोअप रेलवे का चल रहा है, मगर हम रेलवे वाले से एक
विनंती करते हैं कि वो फॉलोअप को न करते हुए, वो भार न लगाते हुए रेलवे की बहुत हद तक जगह प्लेटफॉर्म पे है, वो यूज को यूटिलाइज करके, वो जगह को यूटिलाइज करके वो एक्सीडेंट वहां लगाया जाए कि लोगों को आने वाली तकलीफों से परेशान न हो के लोगों को उससे फायदा पहुंचे। वो भी एक्सीडेंट की हमने मांग की है, वो भी DRM को हमने लेटर देके आए। मेरे साथ में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट आरिफ खान थे, फिर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक वार्ड अध्यक्ष थे अपा इलाल राव, फिर हमारे समाज सेवक आरिफ खान आरिफ थे, और हम सब मिलकर वहाँ गए थे और ये सब पेपर हमने सबमिट करके आए। बबलू भाई, मुंब्रा के अंदर रेलवे की जो भी काम रहते हैं उतनी देरी क्यों होती है? यही ये वजह है कि हमारे खासदार साहब का यहाँ आना जाना बहुत कम है, ऐसे मुझे लगता है। इसलिए तो नहीं कि इस पर राजनीति होती, माइनॉरिटी इलाका है इसकी वजह से? हो सकता है कि उनको ये चीज़ को देखना चाहिए कि माइनॉरिटी एरिया है, लोगों को होने वाली तकलीफों को जायजा लेना चाहिए। कुछ होता है तो वो आते हैं, उसके बाद दिखते नहीं है, चले जाते हैं, मगर ये काफ़ी हद तक लोगों को तकलीफ है, परेशानी है। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र साहब इसकी ये चीज़ का एहसास है, इसलिए उन्होंने खुद होकर DRM साहब के यहाँ गए थे पिछले 8 दिन और ये चीज़ों की मांग की और बोले आप तुरंत ये चीज़ों के काम चालू किया जाए। तो उन लोगों ने अभी, मैं जब इसके लिए फॉलोअप के लिए गया था ऐसे 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि हमको हमारा फॉलोअप है, नहीं तो वो बार की जगह को चेंज करके प्लेटफॉर्म की जगह को यूटिलाइज किया जाएगा।